बहुत समय पहले की बात है, सीतापुरी गांव के पास एक कब्रिस्तान था। वो जगह इतना डरावना था कि दिन में भी गांव वाले उस रास्ते से जाने से डरते थे। गांव वालों का मानना था कि रात में वहां एक भूत शिकार ढूंढने बाहर निकलता है। अरे भाई, आज तो बहुत देर हो गया, शाम होने वाला है, हमें वो कब्रिस्तान जल्दी से पार करना होगा, कहीं वो भूत हमारे सामने ना आ जाए। एक बूढ़ा आदमी उस कब्रिस्तान का देखभाल करता था। अरे चाचा, आप अभी भी यही हो? शाम होने वाला है, जल्दी से अपने घर चले जाओ, आपको डर नहीं लगता क्या? अरे भाई, मुझे किस बात का डर? रात होने पर यहाँ एक भूत अपना शिकार ढूंढने बाहर निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, मैं रात को यही रहता हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं दिखा। ये सुनकर वो लोग हैरान हो गए और जल्द ही वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही रात हुआ, उस बूढ़ा आदमी को कुछ होने लगता है। फिर से वही दर्द। उनके ऊपर एक भूत का साया था, जो रात होते ही अपनी असली रूप में आ जाता था। फिर देखते ही देखते वो आदमी एक भूत में बदल गया। उस रात कुछ डाकू एक गांव से सोना लूटकर जा रहे थे। अरे सरदार जी, सामने एक कब्रिस्तान है, वहाँ हमें बहुत सोना मिल सकता है। अकल क्या घास चढ़ने गया है तेरा, बेवकूफ कहीं का, कब्रिस्तान में सोना कैसे मिलेगा? वहाँ तो सिर्फ मरा हुआ इंसान की हड्डियाँ पड़ा हुआ है, अब क्या वो भी लूट ले? लेकिन मैंने सुना है इस गांव के लोग मरे हुए इंसान के पास उनके कुछ गहने छोड़ जाते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो वहाँ खुदाई करना पड़ेगा। हाँ सरदार जी, पर हमारे पास अभी खुदाई के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम कल पूरे तैयारी के साथ वहाँ जाएंगे और अच्छे से खुदाई करेंगे। पर सरदार जी, एक बूढ़ा आदमी उस कब्रिस्तान का देखभाल करता है। जब गांव वाले कुछ नहीं कर पाया तो एक बूढ़ा क्या करेगा। कल शाम होते ही हम उस कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा खुदाई करेंगे। दूसरी तरफ वो भूत गांव की ओर चला जाता है। मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरा ये हाल किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। घर के अंदर से गांव वाले ये सब सुन रहा था। अजी, आपको सुनाई दिया? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा खिड़की कभी मत खोलना। पता नहीं ये भूत किसको मारने की बात कर रहा है। फिर सुबह होते ही वो भूत उस बूढ़ा आदमी के शरीर से चला जाता है। जैसे ही वो भूत गायब हो गया, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? लगता है रात को मैं अपनी नींद में चल रहा था। तभी वहाँ कुछ गांव वाले उन्हें मिला। अरे चाचा, आप यहाँ? क्या आपने कल उस भूत को देखा? पता है कल वो किसी से बदला लेने की बात कर रहा था। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद मैं रात को नींद में चल रहा था, इसीलिए यहाँ आ गया। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। इतना बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है। लगता है उनके दिमाग में कोई समस्या है। फिर उस रात वो डाकू कब्रिस्तान के पास आया। अरे कालिया, तूने तो कहा था कि यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है। हाँ सरदार, पर आज वो दिख नहीं रहा है। लगता है मुझे आते हुए देखकर वो यहाँ से भाग गया। अब चल,
खुदाई शुरू करते हैं। जी सरदार। जैसे ही वो डाकू खुदाई के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ और आज तू मुझे मिला है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो भूत है। क्या रे कालिया, तूने तो कहा था कि यहाँ कोई बुढ़ा रहता है, तो फिर ये भूत कहाँ से आ गया? पता नहीं सरदार, मैं तो भाग रहा हूँ, आप भी भाग जाओ। फिर वो भूत उसके पास आकर उसे हवा में उठा लेता है। तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? याद कर, तू मेरे घर में घुस के मेरे सारे सोने की सिक्के लेकर मुझे मार दिया था। आज मैं उसका बदला लूंगा। मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दो? तभी एक गुरुजी वहां से गुजर रहा था। ये सब देखकर उन्होंने कहा, सुनो राजन, उसे छोड़ दो, अब तुम मर चुके हो। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। गुरुजी मुझे बचाइए। देखो राजन, तुम अब एक बूढ़ा आदमी के शरीर में हो, अगर तुमने इसे मार दिया तो उस आदमी पर श्राप लग जाएगा। उस बेचारे का क्या गलती है इसमें, इसे इसकी सजा जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, जो भी इसने लूटा है वो सारी चीज सब गांव वालों को वापस करना होगा, तभी मैं इसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, जितने भी सोना मैंने लूटा था वो सब मैं गांव वालों को वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो, अब से कभी भी किसी के साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो भूत उसे छोड़ देता है और उस बूढ़ा आदमी के शरीर से चला जाता है।